नमस्कार, सेहत और स्वाद से भरपूर निधि की विधि में आपका स्वागत है। इस विधि में हम बनाएंगे बची हुई इडली से स्वादिष्ट और पौष्टिक उपमा। दोस्तों, निधि की विधि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास फ्रिज से निकाली हुई 6 बची हुई इडली हैं। इन इडलियों को एक बड़े बर्तन में डालकर हाथ से तोड़कर और मसलकर क्रम्स बना लेंगे। अब एक छोटे प्याज को छीलकर बारीक काट लेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ते और हरी मिर्च को धो लेंगे और मिर्च को लंबाई में काट लेंगे। और हम लेंगे 2 बड़े चम्मच रोस्टेड पिस्ता। पिस्ता की जगह मूंगफली भी ले सकते हैं। अब मीडियम आंच पर एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। जब तेल तेज गरम हो जाए तो इसमें आधा छोटा चम्मच राई के दाने डालें। राई के दानों को अच्छे से फूटने दें। फिर इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर थोड़ा सोटे कर लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालें और इसे हल्का गुलाबी होने तक भूनें। जब प्याज हल्का गुलाबी हो जाए तो गैस एकदम धीमे कर दें और इसमें इडली क्रम्स डालें। इसी के साथ इसमें डालें 1/4 चम्मच नमक। नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि इडली में पहले से ही नमक है। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें और सबको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद उपमा को ढककर लगभग आधे मिनट के लिए पकाएं और फिर गैस बंद कर दें। 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही इसे ढका हुआ छोड़ दें। लगभग 5-7 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर उपमा को चम्मच से हिला लें। अब इसमें कटा हुआ धनिया और रोस्टेड पिस्ता या मूंगफली डालकर मिला लें। लीजिए, एकदम सिंपल पर बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक उपमा तैयार है। इसका आप अपनी पसंद की चटनी या सॉस के साथ आनंद लीजिए। स्क्रीन पर दिखाई गई रेसिपीज को देखने के लिए आप उन पर क्लिक कीजिए। विधि को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई विधि के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।